मध्य प्रदेश के खरगोन जिले की सनावद में स्थित श्री मुरली मनोहर बावड़ी मंदिर में गोवर्धन पूजा के पावन पर्व पर हरे राम हरे कृष्णा मंडल मंदिर ट्रस्ट के साथ भजन संध्या तथा अन्नकूट प्रसादी का कार्यक्रम रखा गया, जिसमें बड़ी संख्या में भक्तजन मौजूद हुए। मंदिर के पुजारी उमा शंकर कानुनगो ने इस पर्व की विशेषताएं बताई। कहा कि आज के दिन भगवान श्री कृष्ण ने द्वापर युग में ब्रजवासियों को इंद्र के प्रकोप से बचाने के लिए गोवर्धन पर्वत अपनी कनिष्ठ उंगली पर उठाया था। इसी दिन को गोवर्धन पूजा के रूप में मनाया जाता है, जिसमें आज ही के दिन मुरली मनोहर मंदिर ट्रस्ट की ओर से यहां पर अन्नकूट महोत्सव मनाया जाता है। यह अन्नकूट महोत्सव बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। इसमें किसी भी प्रकार की जाति पाति मतभेद भूलकर सबके साथ मिलकर मनाया जाता है। पुजारी ने सभी भक्त गणों को दीपावली पर्व की बधाई और शुभकामनाएं भी दी और कहा कि यह पर्व सनावत के श्री सत्यनारायण मंदिर, राम मंदिर, राधा कृष्ण मंदिर सभी जगह धूमधाम से मनाया जाता है। सनावत से प्रभु दोगाया की रिपोर्ट। मुरली मनोहर मंदिर में ट्रस्ट की ओर से यहाँ पे अन्नकूट महोत्सव मनाया जाता है और ये अन्नकूट महोत्सव बड़े धूमधाम से, ये अन्नकूट की महाप्रसादी सभी इसमें किसी प्रकार की जाति पाति मतभेद भूल करके और आज के दिन अन्नकूट महोत्सव का कार्यक्रम सम्पन्न होता है। और यह आयोजन इसलिए किया जाता है कि आज के दिन भगवान श्री कृष्ण ने गिरिराज जी को अपने गिरिराज जी को धारण किया था और उसी उपलक्ष्य में आज अन्नकूट महोत्सव मनाया जाता है और ये बड़े धूमधाम से मनाया जाता है और सनावत के सारे मंदिरों में ये धूमधाम से मनाया जाता है। और आज विशेष अन्नकूट की महाप्रसादी का विशेष महत्व है। आज की प्रसादी सेवन करने से किसी प्रकार की व्याधि रोग पीड़ा वगैरह होती है, शारीरिक रोग होता है, वो सब समाप्त हो जाते हैं, ऐसी मान्यता है। और इसी प्रकार और आप सभी भक्तों को दीपावली की एवं अन्नकूट महोत्सव की शुभकामनाएं। आप हमेशा स्वस्थ रहें, सुखी रहें, आपकी दीर्घायु हो, इन्हीं कामनाओं के साथ मुरली मनोहर मंदिर सनावन। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।